और अब मैं पहुंच गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज व्लॉग अभी पाटली जा रहा हूँ भाई, पता नहीं है कहाँ की लोड होगी। जस्ट अभी घर से निकला हूँ, उनमें इंडस्ट्रीज एरिया पार किया, ये रोड पे आया और भाई कोई पता नहीं कहाँ जाएगी गाड़ी, देखते हैं। अभी तो कोई पता नहीं है, फोन आया था भाई पाटली निकलो, और पाटली निकल गया, इस समय मैं आ गया बाईपास पे और खाना पैक करा लिया। मेरे को पता था यही खाना मिलेगा नहीं वहाँ पाटली में, खाना बनाने का सिस्टम है भी नहीं मेरे पास। अभी एक गाड़ी और है साथ में, वो भी जाएगा वहीं सेम जो पहली बार मैं जम्मू लेके गया था, वो गाड़ी है पीछे आ रही है और मैं इस गाड़ी पे हूँ, वो बंदा पीछे है। बादलगढ़ बाईपास गाड़ी, एक एक्सीडेंट हुई, दिखाता हूँ अभी वो रही गाड़ी सामने दिख रही होगी अजीब तरीके से, बॉय सॉप मतलब बंदा एक्सीडेंट हुआ हुआ, ये वो है कि आदमी से कुछ नहीं हुआ, आदमी से कुछ नहीं हुआ वो बचा है। मेरे को लग रहा है पलटी थी वो गाड़ी, ये भी और ये वाली भी है, वो वाली भी, चारों काफी गाड़ी आई थी आज भी। और भाई अभी पता नहीं कब होगी लोड, मैं तो काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, बज गए अब 6:30। अब कह रहे सोनीपत का अब इनका टी टाइम हो गया, तो अब थोड़ा लंच करेंगे, देखते 15-20 मिनट बाद शटर खुलेगा फिर लोड होगी। और सोनीपत की हो गई यार, बहुत टाइम लगा दिया भाई आज भी, टाइम लगा दिया सुबह का आया बटम। और भाई पेपर अभी मिले हैं, जस्ट पेपर लेके हम गाड़ी भी गर्म करनी पड़ेगी थोड़ा, आगे आगे कर लूँ। अब बैक गियर कोई नहीं है, चलो भाई से चढ़ गया जेएमपी में सोनीपत बालगढ़।
लगाओ यार, इस वजह से जाम लग जाता है। वैसे जाम तो नहीं है, खाली है। मैं मुरथल की तरफ कट लिया, सीधा गया पलवल गाजियाबाद। शायद करनाल वाला है जीडी रोड। अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर है जहाँ जाना है। ज़्यादा दूर की लोडिंग भी नहीं है आज। कोई बात नहीं भाई, जहाँ की भी है तो बैठ। जब से फ्लाई ओवर चालू हुआ ये वाला, ये राय के लिए अंदर रास्ता पता नहीं यहाँ से बंद कर रखा था, गट चालू कर दिया शायद, लग रहा है गाड़ी तो जा रही है। वरना ये जब फ्लाई ओवर बंद था तो ये वाला गट बंद कर रखा था, खोल दिया नहीं। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती थी आगे से जाते थे सारे, ये भी चालू कर दिया। फ्लाई ओवर बन गया तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी यार।